अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 की कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स में खुश आमदी। व्यूअर्स, हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन लेते हैं। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने एनिमेशन टैब ट्रांजिशन और एनिमेशन टैब किया था, यानी कि हमने डिज़ाइन, ट्रांजिशन और एनिमेशन तीनों जो टैब्स हैं वो मुकम्मल कर ली हैं। और उसके बाद हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये इंशाल्लाह आखिरी वीडियो होगी और ये आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, हम यहाँ से अपनी डॉक्यूमेंट में कुछ डिज़ाइन अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। फॉर एग्जांपल, कोई भी आप डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप डिज़ाइन ले लें। असल मकसद जो है वो आज का वो बताना, वो आपको जो है वो हम इंशाल्लाह देखते हैं। व्यूअर्स, मैं अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मैं कुछ स्लाइड्स बनाकर कुछ जो है वो डाटा एडिट करके फिर अगला स्टेप हम करते हैं। ये व्यूअर्स, मैंने चार स्लाइड्स हमने ये बनाई हैं। पहली स्लाइड का टाइटल दिया है, उसके बाद सेकंड स्लाइड और उसके बाद डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी दी है, और थर्ड स्लाइड, और ये इसका जो स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज किया है, और यहाँ से हमने टाइटल की स्लाइड ली है, जो टाइटल की स्लाइड लेकर यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट किया और यहाँ से स्लाइड सेलेक्ट करके डिज़ाइन टैब में जाकर यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर दिया है और यहाँ से जो है वो कलर उसका कर दिया है। तो ये हमारी चार स्लाइड्स हैं। अब इन पर हम एनिमेशन भी अप्लाई करेंगे, ट्रांजिशन भी अप्लाई करेंगे और बाकी जो है इसका ड्यूरेशन वगैरह जो भी हम करेंगे वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पर हम ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे और उसके बाद सेकंड स्लाइड पर कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद सेकंड स्लाइड और थर्ड स्लाइड। लेजी, उसके बाद हम अब टेक्स्ट पर जो है वो अप्लाई करते हैं कुछ एनिमेशन, फ्लोट इन, और यहाँ पर इस पर भी इस तरह हम बाकी पर भी अप्लाई करते हैं। कोई भी आप जो आप चाहें मज़ीद इसमें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ पर बाकी सब पर आपने जो है वो एनिमेशन अप्लाई कर लें अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर जी ठीक है, यही तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। व्यूअर्स, आज हम जो बनाने चाह रहे हैं वो हम बटन बनाने चाह रहे हैं कि आप अगर अपनी प्रेजेंटेशन में किसी चीज़ का लिंक देना चाह रहे हैं तो आप कैसे दे सकते हैं, या आप एक स्लाइड पे दूसरी स्लाइड का लिंक देना चाह रहे हैं तो कैसे दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप किसी वीडियो का, जो हमने वैसे तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप किसी वीडियो वगैरह का इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो ऑन माय पीसी, या ऑनलाइन वीडियो को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, जैसा भी आप ऑब्जेक्ट यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। क्रिएट फ्रॉम फाइल, यहाँ से अगर कोई ब्राउज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पर डेट एंड टाइम वगैरह हैं जो भी, यानी कि इस पर अवेलेबल हैं ऑप्शन, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई पिक्चर एल्बम आप बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से पिक्चर एल्बम सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इसमें से जो पिक्चर्स हैं वो सेलेक्ट करें और ओके कर दें, तो फिर आप उन पे भी उसी तरह एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम जो सेलेक्ट करने जा जो चीज़ हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में बटन कैसे बना सकते हैं या बटन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हम इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पर शेप्स ऐड करेंगे, हम शेप ऐड करेंगे एक, या हम तीन से चार बटन बनाएंगे यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हम इसको हम बनाते हैं नेक्स्ट का बटन, और इसका कलर फिल, अगर आप यहाँ जैसा आप कलर सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, और बॉर्डर हम ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर ऐड करेंगे टेक्स्ट और यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट, और इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देंगे टेक्स्ट कलर, और फॉन्ट साइज़ इसका हम बढ़ा देंगे, यहाँ से हम फॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया। और अब हम एक और बॉक्स लेंगे और वो यहाँ पर ऐड करेंगे और इस पर लिखेंगे एग्ज़िट। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे
पेस्ट करेंगे, पेस्ट किया वहाँ से, कॉपी किया यहाँ से, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो इस पर लिखेंगे हम नेक्स्ट, ये नेक्स्ट ठीक है, और कंट्रोल सी, और बल्कि हम पहले हम इनको लिंक दे लेते हैं। तो व्यूअर्स आप लिंक देना चाहेंगे तो आप कैसे दे सकते हैं, तो इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर एक्शन पे क्लिक करना है, लिंक्स ग्रुप में एक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे साथ सामने एक विंडो ओपन हो गई है। तो आप यहाँ से हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड करना चाहते हैं, प्रीवियस स्लाइड करना चाहते हैं, या फर्स्ट स्लाइड या लास्ट स्लाइड या वट एवर, जहाँ जो भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे, ओके करेंगे और जो एग्जिट का है इसको हम करेंगे एग्जिट, हाइपर लिंक टू एंड शो, यहाँ पर ये एंड शो और यहाँ पर हम कर देंगे हाईलाइट क्लिक, जो ये इसको भी चेक कर दें ताकि जब हम होवर करें तो यहाँ पर हम साउंड भी अप्लाई कर देते हैं। चलो जी साउंड भी क्लिक साउंड हम अप्लाई करते हैं और यहाँ पर इस पे भी क्लिक साउंड जो है वो अप्लाई कर देते हैं और माउस होवर हाइपर नॉन हाईलाइट ओके, और इस पे भी हम जो है वो हाईलाइट कर देते हैं माउस होवर पे। ये देखें पहले हो गया था, अभी पता नहीं ये रह गया, जी दोनों हो गए। तो यहाँ से हम अब कॉपी करेंगे इसको, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी किया, इसको नेक्स्ट रहने दिया, एक और कंट्रोल प्लस वी किया, प्रेस किया और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीवियस, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर एग्जिट को यहाँ पर ले आते हैं और प्रीवियस को यहाँ पर ले आते हैं प्रीवियस, और यहाँ पर एग्जिट को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो इसी तरह प्रीवियस और इस तरह हम इन तीनों को कॉपी करते जाएंगे और तमाम स्लाइड्स पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर व्यूअर्स हम नेक्स्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अब ऐड करेंगे फर्स्ट स्लाइड और फिर एक्शन इसका चेंज करेंगे, यहाँ से एक्शन टू फर्स्ट स्लाइड ओके, और ओके किया। तो यहाँ से अब हमने एनिमेशन भी अप्लाई कर लिए, टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर लिया, जो भी हमने यानी कि स्लाइड हमने बना ली है। तो अब हम F5 जब प्रेस करेंगे हम इसका प्रीव्यू करते हैं, तो हम देखते हैं जी कैसे प्रीव्यू होता है, तो कैसे ये काम करता है। तो हम जब F5 प्रेस करते हैं, हमारे जो फर्स्ट एनिमेशन था डिज़ाइन हमने किया था हम पहली स्लाइड पे, अगर तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहते हैं, हमने कोई भी हम क्लिक करेंगे, अगर खाली जगह पर यहाँ पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट जो टाइटल है या एनिमेशन है वो अप्लाई हो जाएगा। अब जब दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इन पर एनिमेशन में जाकर अगर हम इन पर टाइम सेलेक्ट करेंगे और माउस क्लिक की जगह आफ्टर प्रीवियस करेंगे तो यहाँ पर वो अप्लाई हो जाएगा विद प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस जो भी है, यहाँ से आप कर सकते हैं, या डिले यहाँ पर आप डिले भी कर सकते हैं 20, इस तरह आप इन पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर प्रीवियस पर प्रीवियस, और इसका भी सब पे आपने आफ्टर प्रीवियस अप्लाई कर देना, और यहाँ पर इस पे कोई नहीं विद प्रीवियस कर दें। और उसके बाद अब दोबारा हम F5 प्रेस करते हैं, तो हमने जब जो फर्स्ट जो किया ऑटोमेटिकली देख लें आप, आपके सामने जो हमारे शो हो रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा एक प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा बोलना चाह रहे हैं, अगर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हम ज़्यादा बोलना चाह रहे हैं, तो हम जब ज़रूरत होगी तब हम नेक्स्ट करेंगे। तो हमने ये नेक्स्ट बटन और एग्जिट बटन अप्लाई किए हैं ताकि हम इनको इस्तेमाल करें और इनसे इनके ज़रिए से मदद लें, हम ऑटोमेटिकली जो है वो स्लाइड नेक्स्ट ना हो। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर जब क्लिक करेंगे तो हमें वो नेक्स्ट जो है वो ले जाएगा नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाएगा। और अगर हम पिछली स्लाइड पर दोबारा काम करना चाहते हैं या नेक्स्ट स्लाइड से कुछ दिखाकर हम प्रीवियस स्लाइड पर जाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से प्रीवियस स्लाइड पर जा सकते हैं। हम ये हमारा काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसका जो है वो चेंज नहीं किया, इसका एक्शन हमने चेंज नहीं किया, इस वजह से हमारा ये काम नहीं कर रहा। हम यहाँ से एक्शन करेंगे और यहाँ से हम प्रीवियस स्लाइड पर क्लिक करेंगे, एक्शन प्रीवियस स्लाइड, और यहाँ पर हमने
एक्शन और प्रीवियस स्लाइड, ओके। और दोबारा हम दोबारा चेक करते हैं, हमने चेक किया और नेक्स्ट किया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप टेक्स्ट देना चाहें आप दे सकते हैं। इस तरह आप किसी और चीज़ का अगर लिंक देना चाहते हैं बटन पे किसी जगह पे, तो आप यहाँ से किसी भी बटन पर लिंक दे सकते हैं। तो हम प्रीवियस स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट किया और फिर नेक्स्ट। तो जब हम फर्स्ट स्लाइड पर अगर हम जाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक करेंगे, और अगर हम एग्ज़िट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से एग्ज़िट कर देंगे। तो फर्स्ट स्लाइड हमारा काम नहीं कर रहा, एक्शन टू फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड जो ऑप्शन आप यहाँ से एक्शन आप देना चाहें या पर आप दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप कोई किसी और चीज़ का लिंक देना चाहते हैं, किसी वेबसाइट का एड्रेस देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक और बटन ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर करते हैं गेट मोर स्लाइड्स, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर रखते हैं स्लाइड्स, और इसका थोड़ा सा कलर चेंज करें चाहे ना करें वो आपकी मर्ज़ी, आप जैसा आप देना चाहें आप दे सकते हैं। तो F5 प्रेस किया, सॉरी हमने इसका एक्शन नहीं दिया, एक्शन एक्शन, और यहाँ पर URL, और यहाँ पर लिख देते हैं www.line.tk और ओके करते हैं। ओके किया, F5 प्रेस किया, तो हम जब नेक्स्ट पर जाते चले जाएंगे, और जिस स्लाइड पर हमने ये दिया है लिंक, तो हम अगर उस पर जब पहुंच जाते हैं तो हम जब हम क्लिक करते हैं बटन पर तो हमें वो हमारा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और हमें डायरेक्ट जो है वो उस लिंक पर ले जाएगा जिस पर हम जाना चाहते हैं या जो हमने लिंक दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है, यहाँ पर हमारी जो ऑन हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह आप लिंक दे सकते हैं और यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं, जैसे आप जो आप लिंक देना चाहें यहाँ से आप दे सकते हैं। इस तरह मोर ऑब्जेक्ट्स भी आप इसमें लिंक भी दे सकते हैं, और अपनी जो ऑडियो और वीडियो भी आप अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। तो बाकी ये डिज़ाइन, स्मार्ट आर्ट वगैरह जो भी आपको अगर समझना चाहते हैं तो आप MS Word के ट्यूटोरियल में आप समझ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में जिनका लिंक दे दिया गया है। तो आप इनके बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, हमारा जो हमने डिस्कस किया, हमारे हम स्लाइड कैसे बनाते हैं, हम एनिमेशन कैसे अप्लाई करते हैं, हम किसी चीज़ का लिंक देना कैसे कैसे लिंक दे सकते हैं, या हम जो भी हम काम अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने जो ज़रूरी काम सब हमने जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो इनमें से मेरे ख्याल में और कोई चीज़ नहीं, अगर आपको मज़ीद कोई चीज़ समझने की ज़रूरत है या आपको समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट कीजिए वीडियो पर, और आप मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपको उसका जवाब दूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।